टाटा, बिरला, अंबानी, ये तीन नाम इंडिया में ऐसे हैं कि अगर आप बिजनेस के बारे में सोचते हो या फिर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो ये तीन नाम कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे। या तो आपके रिलेटिव्स बोल देंगे कि भाई टाटा अंबानी बनोगे क्या, या फिर कहीं ना कहीं से ये नाम तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा। ऐसे ही इंडिया में लगभग 1920 से 1950s का जो समय था, प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, उस समय में इंडिया में एक बिजनेस फैमिली हुआ करती थी जिसको कहा जाता है डालमिया ग्रुप। डालमिया ग्रुप आज के समय में इतना बड़ा ग्रुप है कि आज के टाइम में इनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग बिजनेसेस हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डालमिया ग्रुप के बारे में कि डालमिया ग्रुप शुरू कैसे हुआ और आज के समय में इस इतने बड़े लेवल पे कैसे काम करता है। ऑल्दो इस ग्रुप में काफी सारे अप्स डाउन्स देखे, काफी सारी सेपरेशन हुई, काफी सारी स्ट्रगल्स हुई, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखो हर वीडियो का ना कोई हीरो होता है, तो इस वीडियो के जो हमारे हीरो हैं वो है संजय डालमिया जी। संजय डालमिया जी का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है डालमिया ग्रुप को बड़ा करने में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज हम लोग जानेंगे कि डालमिया ग्रुप की शुरुआत किसने और कब की थी और कैसे किया था। दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि संजय डालमिया जी की एंट्री कैसे हुई डालमिया ग्रुप में और आज के समय में डालमिया ग्रुप किस पोजिशन पर चला गया है। और लास्ट में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इस ग्रुप से और संजय डालमिया जी से हम लोग क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं और उसे हम लोग अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और अभी तक आपने मेरी बातों को सुन लिया है, थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट आया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज़ बीच में कुछ छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपने वीडियो को शुरू कर दिया तो एंड भी कर दीजिए, आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा। सो बिना समय गंवाए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो कहानी शुरू करते हैं शुरुआत से। बात है लगभग 1920s के टाइम की, जब रामकृष्ण डालमिया और जयदयाल डालमिया ये दो भाई ने सोचा कि अपना कुछ बिजनेस शुरू किया जाए। देखो डालमिया जो फैमिली है ना, इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस था, मतलब कि रामकृष्ण डालमिया जो थे इनके दादा परदादा से बिजनेस चले आ रहा था। बट जब इनके पिताजी का समय था तो उस टाइम पे जो इनका फैमिली बिजनेस था वो बहुत अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहा था और इनके इनके साथ काफी सारी फाइनेंशियल दिक्कतें थी। तो ये दोनों भाइयों ने सोचा कि अपना कुछ हम लोग शुरू करते हैं और अपना किस्मत आजमाते हैं। तो रामकृष्ण डालमिया और जयदयाल डालमिया ये दोनों भाई क्या किए, ये लोग कोलकाता हैं। कोलकाता में आके इन्होंने शुरुआत की कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस का। कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस बेसिकली होता क्या है, पहले मैं ये आपको बता दूं। मान लो ये मोबाइल स्टैंड है, इस मोबाइल स्टैंड को बनाने में मुझे काफी सारे रॉ मटेरियल्स लगेंगे अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो। अब रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, इसमें लगेगा मेटल के प्लेट्स लगेंगे, इसमें पेंट्स लगेंगे और इसमें कुछ फोम वगैरह चीजें ऐसी लगेंगी। तो जो वेंडर मुझे ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करेगा ताकि मैं इन रॉ मटेरियल्स का यूज करके मैं इस पर्टिकुलर मोबाइल स्टैंड को बना दूं, तो इसी पर्टिकुलर बिजनेस को हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। कमोडिटी ट्रेडिंग में बेसिकली रॉ मटेरियल्स की ट्रेडिंग होती है मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में, तो इसी चीज का बिजनेस ये लोग उस टाइम पे करते थे। अब रामकृष्ण डालमिया जी का प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस होने की वजह से इन लोग का जो कमोडिटी ट्रेडिंग का बिजनेस था ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और 1930s के टाइम पे अब देखो जब बिजनेस एक अच्छा परफॉर्म करने लगता है ना तो असली जो धंधे वाला रहता है वो वहीं पे नहीं रुकता है, उसके आगे का सोचता है कि अब हम लोग और क्या नया कर सकते हैं। तो रामकृष्ण डालमिया जी आए थे बिहार में। आप जानते होंगे कि यूपी और बिहार में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, गन्ना यानी कि शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इस चीज को जब रामकृष्ण डालमिया जी ने देखा तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग शुगर में भी अपना किस्मत आजमाएं और शुगर में भी कुछ अपना बिजनेस वगैरह शुरू किया जाए। तो जब ये सोचे वो चीज तो उसी टाइम पे 1930s के अराउंड रामकृष्ण डालमिया जी ने अपना शुगर मिल का यूनिट भी सेटअप कर दिया दानापुर के अंदर। जब ये शुगर मिल का यूनिट सेटअप किया गया तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रिमार्केबल चीज थी उस टाइम के हिसाब से, बिकॉज जो इनका शुगर का यूनिट है ना वो तब से और आज तक इनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल बिजनेस है और काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल भी है। तो इनका जो शुगर बिजनेस था वो गेम चेंजिंग था डालमिया ग्रुप के लिए। अब 1930s में शुगर मिल की एस्टैब्लिशमेंट हो गई, उसके बाद से रामकृष्ण डालमिया जी को अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी की साहू जैन फैमिली में। साहू जैन फैमिली वही फैमिली है जो कि आज के टाइम पे बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी को ओन करती है। बेनेट कॉलमैन एंड कंपनी वही कंपनी है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को प्रोड्यूस करती है, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश करती है।
तो रामकृष्ण डालमिया जी की बेटी की शादी हो गई साहू जैन फैमिली में शांति प्रसाद जैन से। जब इन दोनों फैमिलीज जब एक साथ आ गए शादी के बाद, जब ये दोनों फैमिलीज एक साथ आ गए तो इन दोनों फैमिलीज, देखो साहू जैन फैमिली जो है ना उनका भी प्रायर बिजनेस था, वो लोग सीमेंट लाइन में काफी अच्छा बिजनेस था उनका, उनका शुगर मिल का भी काफी अच्छा बिजनेस था, वो लोग पेपर मिल्स में भी थे, टेक्सटाइल बिजनेस में भी थी वो जैन फैमिली। तो डालमिया और साहू जैन फैमिली ने सोचा क्यों ना हम लोग एक अपना खुद का ग्रुप बनाया जाए, दोनों जो हम लोग के प्रायर बिजनेसेस हैं इनको मर्ज कर दिया जाए। तो मर्जर इन दोनों बिजनेसेस का हुआ, इन दोनों ग्रुप्स का हुआ। तो उसके बाद से फॉर्मेशन हुआ डालमिया जैन ग्रुप का। डालमिया जैन ग्रुप का जब फॉर्मेशन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे 1930s और 1940s के टाइम पे ये ग्रुप अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमरेट था, बहुत ही बड़ा बिजनेस एम्पायर था, बिकॉज इनके हर फील्ड में अगर आप उस टाइम पे लेते ना, हर फील्ड में इनका कोई ना कोई बिजनेस था, तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी चीज थी। 1942-1943 के अराउंड जो इनका सीमेंट बिजनेस था, इन दोनों फैमिलीज ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि हम लोग ACC सीमेंट से कंपीट करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ACC सीमेंट की मोनोपोली चलती थी सीमेंट बिजनेस में। तो इन फैमिलीज ने, इन बिजनेसेस ने ये भी किया कि ACC सीमेंट को भी टक्कर दिया। तो आप समझ सकते हो किस लेवल का बिजनेस था इन लोग का, बिकॉज एक्सपर्टीज ज्यादा मैटर करता है, इन दोनों फैमिलीज के पास एक्सपर्टीज थी तो ये लोग कंपीट कर सकते हैं। तो बात ऐसे चल रही थी और बिजनेस काफी अच्छा जा रहा था, ग्रुप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, काफी लोग जानने लगे थे डालमिया जैन ग्रुप को और चीजें काफी सही डायरेक्शन में जा रही थी। ऐसे ही 1946 के अराउंड रामकृष्ण डालमिया जी ने सोचा अब हम लोग पब्लिशिंग बिजनेस में ही जाते हैं, मीडिया बिजनेस में ही जाते हैं। तो उस टाइम पे रामकृष्ण डालमिया जी ने बेनेट कॉलमन एंड कंपनी को परचेज किया, वही कंपनी है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया को पब्लिश करती है। तो इन्होंने वो पब्लिश किया, वो भी एक काफी रिमार्केबल चीज था इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। बट चीजें तो अच्छी जा रही थी, बट अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चीजें खटक रही थी। खटकने का मतलब कुछ ना कुछ मतलब मिसहैप हो रहा था उस पूरे ग्रुप के अंदर, बिकॉज देखो एक ग्रुप जब चलता है ना, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर जब चलता है, एक बड़ी बिजनेस फैमिली जो होती है ना, तो आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और सेम हुआ था इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ भी। अंदर ही अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए थे और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अल्टीमेटली 1948 के टाइम पे आते आते इस दोनों ग्रुप को सेपरेट कर दिया गया। ये दोनों जो ग्रुप है ये डिसॉल्व कर दिए गए, ठीक है, डालमिया जैन ग्रुप जो है इसको डिसॉल्व कर दिया गया और दोनों एंटिटी सेपरेट हो गए। जब ये दोनों एंटिटी सेपरेट हो गई तो जो डालमिया ग्रुप था ना इसका भी फर्दर सेपरेशन हो गया, बिकॉज उस टाइम पे काफी सारे ब्लैक मनी और भी काफी सारे केसेस चलने लगे थे डालमिया ग्रुप के ऊपर। तो जयदयाल डालमिया जी जो थे वो बोले कि भाई अब मैं इन चीजों में नहीं पड़ सकता, मुझे अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है। तो जयदयाल डालमिया और रामकृष्ण डालमिया इन दोनों के बीच में फर्दर जो डालमिया ग्रुप है वो डिवाइड हो गया। जयदयाल डालमिया जी को मिला सीमेंट का यूनिट, सीमेंट यूनिट डालमिया भारत सीमेंट और उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, OCL और डालमिया भारत सीमेंट जयदयाल डालमिया जी को मिला। और इस सीमेंट बिजनेस को जयदयाल डालमिया जी अब संभालने था, उनकी फैमिली जो जयदयाल फैमिली थी वो अब संभाल रही थी, और यही वो फैमिली है, जयदयाल डालमिया फैमिली ही है जिसकी वजह से आज के समय में भी डालमिया फैमिली या फिर डालमिया ग्रुप का बहुत ही बड़ा नाम है आज के समय में इंडिया में। तो जयदयाल डालमिया फैमिली से ही बिलोंग करते हैं हमारे इस वीडियो के हीरो जो कि हैं संजय डालमिया जी। संजय डालमिया जी के पिताजी हैं विष्णु हरि डालमिया जयदयाल डालमिया के बेटे हैं, और संजय डालमिया जो हैं वो जयदयाल डालमिया के पोते हैं, मतलब कि जयदयाल डालमिया संजय डालमिया के दादाजी हैं। तो देखो अब उस टाइम पे क्या था कि संजय डालमिया जी का भी एजुकेशन पूरा हो रहा था, इन्होंने सेंट स्टीफन्स दिल्ली से अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। तो जब हायर एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, मारवाड़ी फैमिली से आते थे, तो अब ये सोचे कि भाई मैं अलग क्या करूं, मैं खुद के बिजनेस में ज्वाइन कर लेता हूं। तो जब इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो लगभग 1965 के अराउंड इन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। देखो जो संजय डालमिया जी है ना, इनका जो फाइनेंस की तरफ एक बहुत ही अलग तरह का रुझान है, टैक्सेशन बैंकिंग इन सारी चीजों के टुवर्ड्स इनका काफी ज्यादा रुझान है। तो जब संजय डालमिया जी ने डालमिया ग्रुप को ज्वाइन किया तो इनको पोस्ट किया गया OCL में, OCL यानी कि उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, जो कि शुरू की गई थी 1949 में। इनकी उड़ीसा में पोस्टिंग कर दी गई कि भाई अब तुम्हें इस पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो देखो संजय डालमिया जी का जो बिजनेस एक्यूमेन है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। तो जब ये इस बिजनेस को ज्वाइन किए, उड़ीसा सीमेंट्स लिमिटेड को जब ये ज्वाइन किए, तब ये सोचने लगे कि अब हम किस तरह से इस चीज को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो उस टाइम पे PCC पाइप्स हुआ करते थे और इलेक्ट्रिफिकेशन के जो PPC पाइप्स यूज होती थी, तो उसका सोचा कि अगर हमें इसका कहीं ना कहीं से काम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, और अगर गवर्नमेंट टेंडर मिल जाए तो काफी तगड़ा काम हो जाएगा। तो
कैसे कैसे करके किसी ना किसी तरीके सोर्स वगैरह लगा के इनको बिहार इलेक्ट्रिफिकेशन बोर्ड से इनको एक टेंडर मिल गया पीसीसी पाइप्स का, बिकॉज उस टाइम पे बिहार का डेवलपमेंट चल रहा था और इनका जो एंसेस्ट्रल, अगर इनका एंसेस्ट्रल बिजनेस भी देखे तो बिहार से इनका काफी ज्यादा कनेक्शन है, तो इनको बिहार का वो टेंडर मिल गया। जब वो टेंडर मिला तो वो पर्टिकुलर टेंडर इस डालमिया ग्रुप के लिए अपने आप में एक रिमार्केबल चीज था, बिकॉज ये बहुत ही बड़े लेवल का प्रोजेक्ट होने वाला था। तो वहां से ये देखा गया कि भाई संजय डालमिया जी का बिजनेस एक्यूमेंट तो बहुत तगड़ा है, अब इनको और भी जो हम लोग की लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनमें इनको भेजा जाए। तो जब उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड को संजय डालमिया जी ने वो टेंडर दिलवा दिया तो उसके बाद से संजय डालमिया जी क्या किए, रामपुर आ गए उत्तर प्रदेश में। रामपुर में इनका एक डिस्टिलरी चला करता था, वो डिस्टिलरी क्या करता था, इंडस्ट्रियल ग्रेड की जो वाइन होती है, इंडस्ट्रियल ग्रेड के जो एल्कोहल होते हैं वो सप्लाई किया करता था इंडियन आर्मी को। जब इसका रिवाइवल शुरू किया गया तो उस फैमिली ने ये सोचा कि भाई ये जो बिजनेस है ये पर्टिकुलर हमारे एथिक्स के खिलाफ है, तो इन्होंने वो डिस्टिलरी का बिजनेस बंद करवाया, बिकॉज कुछ एथिक्स वाली चीज होती है, तो इस वजह से वो बिजनेस बंद कर दिया गया। यहां तक चीजें तो काफी अच्छी जा रही थी। अब देखो संजय डालमिया जी का और भी काफी बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, जैसे कि इन्वेस्टमेंट में, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, इन सारे बिजनेस में इनका इंटरेस्ट था। यहां तक तो चीजें अच्छी जा रही थी, बट अब क्या हुआ कि जयदयाल डालमिया जी के थे चार बेटे। चार बेटों में से तीन जो बेटे थे, विष्णु हरि डालमिया, जय हरि डालमिया और यदु हरि डालमिया, ये लोग सीमेंट का बिजनेस संभाल रहे थे, जो शुगर का बिजनेस था वो संभाल रहे थे और रिफ्रैक्टरीज का भी इनका बिजनेस था, वो चीजें संभाल रहे थे। और जो अजय हरि डालमिया थे, जो कि जयदयाल डालमिया के बेटे थे, उन्होंने सेपरेट होकर अपना एक अलग ग्रुप फॉर्म कर लिया, रिलायंस ग्रुप। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज अगर मैं इसमें बताने लग तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जो संजय डालमिया जी थे, अब इन्हें और भी नई अपॉर्चुनिटीज चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया कि जो उनका जो सीमेंट बिजनेस था और भी जो सारी चीजें थी वहां से वो सेपरेट हो गया। तो विष्णु हरि डालमिया और संजय डालमिया ने मिलकर शुरुआत की डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड। डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1974 में, इन्होंने इस कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की थी। अब ये कंपनी करती क्या है, उस टाइम पे गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड GHCL जो कि आज के टाइम पे कहा जाता है, तो संजय डालमिया जी ने GHCL का शुरुआत की, गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, क्योंकि संजय डालमिया जी को अपॉर्चुनिटीज, नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढना काफी अच्छा लगता था और नए नए अपॉर्चुनिटीज के सर्च में ये रहा करते थे। उन्हीं अपॉर्चुनिटीज में से एक था GHCL, जो कि आता था डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर। तो GHCL करता क्या, ये सोडा एशेस बनाता है। सोडा एशेस वो रॉ मटेरियल होता है जो कि बड़ी बड़ी जो साबुन की कंपनी, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जो लॉन्ड्री आइटम्स होते हैं, उनमें सोडा एश यूज होता है। जो डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड का जो बैकबोन है GHCL, वो सोडा एशेस में काम करता है और अलग अलग केमिकल्स, अलग अलग टेक्सटाइल बिजनेस GHCL के अंदर आते हैं। साथ ही साथ संजय डालमिया जी ने शुरू किया भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड। भारत एक्सप्लोसिव लिमिटेड इंडियन आर्मी को एक्सप्लोसिव सप्लाई करती है, ये भी बहुत ही बड़ा बिजनेस अपने आप में। डालमिया हेल्थ केयर लिमिटेड का भी शुरुआत संजय डालमिया जी ने किया, जो कि हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील होता है। आज के समय में जो डालमिया हेल्थ केयर है, ये अलग अलग कैंसर ट्रीटमेंट पे काम कर रहा है, अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। उसके बाद संजय डालमिया जी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में भी ज्यादा रुचि था, ज्यादा रुझान था, तो इन्होंने कैटल इंफोटेक लिमिटेड की भी शुरुआत की, जो कि एक BPO सर्विस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का काम करती है। उसके बाद से गोल्डन टोबैको लिमिटेड की शुरुआत की, जो कि सिगरेट्स वगैरह बनाने की काम करती है। तो डालमिया ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड के अंदर टोटल चार कंपनीज आती हैं। सबसे पहली है GHCL, गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड, जो कि डील करती है सोडा एश, टेक्सटाइल और भी काफी सारे बिजनेसेस में। दूसरा है डालमिया हेल्थ केयर लिमिटेड, जो कि डील करता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में और आज के समय में कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तीसरा जो बिजनेस है केयरटेल इंफोटेक लिमिटेड, केयरटेल इंफोटेक लिमिटेड BPO सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और चौथा जो है भारत टोबैको लिमिटेड, भारत टोबैको लिमिटेड बेसिकली सिगरेट वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग और अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये तो थी सारी धंधे की बात, बिजनेस की बात संजय डालमिया जी के बारे में। अब हम आते हैं कि संजय डालमिया जी इन पर्सनल
इनकी पर्सनैलिटी क्या है और इनसे हमें सीखना क्या क्या चाहिए। देखो बिजनेस में तो इन्होंने बहुत ही फेनोमिनल चीजें की भी हैं, बट देश के लिए भी इन्होंने काफी सारी चीजें की हैं। जैसे कि इन्होंने शुरुआत की थी EICC का। EICC यानी कि यूरोप इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स। EICC करता क्या है, जो यूरोप और इंडिया के बीच में जो ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया था। ये भी एक देश के लिए अपना एक बहुत ही मेजर मूवमेंट था संजय डालमिया जी के द्वारा। उसके बाद से इन्होंने फिक्की के अंदर भी एज अ बोर्ड मेंबर सर्व किया है और साथ ही साथ यूनियन बैंक और IDBI बैंक में भी इन्होंने एज अ चेयरपर्सन एज अ बोर्ड मेंबर का रोल निभाया। तो इनका काफी डाइवर्स बिजनेस का जो एक्यूमेन है वो काफी डाइवर्स है, अलग अलग फील्ड्स का इनका नॉलेज है। और आज के समय में संजय डालमिया जी जो है वो फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज वो क्या मानते हैं कि देखो जब हमारे लोग हमसे जुड़े हुए लोग आगे बढ़ेंगे ना तो अपनी कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन अपने आप आगे बढ़ेगा। दैट इज द फिलोसफी ऑफ संजय डालमिया और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगती है। तो संजय डालमिया जी देखो इन बिजनेस में भी तो इनका काफी अच्छा नॉलेज है ही, बट साथ ही साथ जो भी सोशलिस्टिक चीजें होती हैं, जो भी सोशल और नेशनल चीजें होती हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, वो है लर्निंग्स फ्रॉम द डालमिया ग्रुप और लर्निंग्स फ्रॉम संजय डालमिया। देखो तीन चीजें मैंने संजय डालमिया जी से सीखी है, वो ये है कि सबसे पहली चीज है ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। देखो इन्होंने सीमेंट बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया बट वो वहां पर रुके नहीं, उसके बाद से अपना डिस्टिलरी वाले बिजनेस में उन्होंने देखा ये बिजनेस चल नहीं सकता, उसे बंद कर दिया। उसके बाद से इन्होंने GSCL का शुरुआत किया, डालमिया हेल्थ केयर का शुरुआत किया, गोल्डन टोबैको कंपनी का शुरुआत किया। तो ये कभी भी इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखता था ना तो वो इसको एनकैश करते थे और उस पर सोचते रहे कैसे मैं इस पर बिजनेस बना सकता हूं। मेरा बेसिक सा लर्निंग है कि अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपको कुछ भी प्रोबेबिलिटी दिख रहा है तो आपको वो चीजें ट्राई एंड टेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जब तक आप ट्राई एंड टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगी वो चीजें सही हैं या फिर गलत हैं। तो बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। दूसरा चीज है पीपल वेलफेयर। देखो संजय डालमिया जी क्या सोचते हैं कि अगर उनके साथ जुड़े हुए लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो वो और उनकी कंपनी खुद आगे बढ़ेगी। तो पीपल वेलफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जिसको संजय डालमिया जी प्रमोट करते हैं। और तीसरी जो लर्निंग है वो है वर्क फॉर द सोसाइटी, यानी कि आप सोसाइटी को कुछ ना कुछ दो। अगर आप कुछ भी पा रहे हो, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 5-10 रुपए सोसाइटी के भले के लिए या फिर अपने अपने देश के भले के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने संजय डालमिया जी से सीखा। ऑल्दो ये वीडियो काफी लंबा है, इसमें काफी ज्यादा रिसर्च गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये था आज का वीडियो डालमिया ग्रुप के ऊपर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बिकॉज इसमें काफी ज्यादा रिसर्च गया है। और अगर आपको डालमिया, देखो डालमिया ग्रुप के ऊपर ये तो एक बहुत छोटा वीडियो था, अगर हम डालमिया ग्रुप की बात करने चले तो पूरा दिन चला जाएगा। तो अगर आप चाहते हो डालमिया ग्रुप के अलग अलग बिजनेसेस के बारे में वीडियोस, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज रिलायंस ग्रुप के ऊपर भी हम लोग वीडियो कर सकते हैं, हम लोग डालमिया भारत ग्रुप के ऊपर भी बात कर सकते हैं, उनका जो सीमेंट और जो शुगर का बिजनेस है उसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो इन टॉपिक्स पे वीडियो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं किसी और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।